दोस्तों अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों अभी हो चुका है बड़ा खुलासा। न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम से फर्स्ट T20 मैच बेईमानी से जीता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। कुमार यादव जो आउट हुए थे वो नो बॉल पर आउट हुए थे, जिसके बाद इस चीज पर अंपायर ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, जिस पर अब काफी ज्यादा बहस छिड़ चुकी है। और दोस्तों ये मैच दोबारा कराने की मांग भी की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी हैं भारतीय टीम के सच्चे फैन तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक लाइक भारतीय टीम को सपोर्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज खेले गए इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 मैच। पहला T20 मैच बेहद ही रोमांचक मैच था। इस पहले T20 मैच का टॉस जीता टीम इंडिया ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 20 ओवर में 176 रन बनाए। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने ये 176 रन डैरिल मिचेल की शानदार बल्लेबाजी की वजह से आए। दोस्तों आज भारतीय टीम की तरफ से काफी ही ज्यादा खराब गेंदबाजी हुई। आज एक बार फिर से अर्शदीप सिंह फ्लॉप साबित हुए। अर्शदीप सिंह ने पूरे 2 ओवर में 35 से अधिक रन दे दिए, जो बाद में आगे चलकर भारतीय टीम की हार का कारण बना। दोस्तों इसके बाद इंडिया की टीम बैटिंग करने आती है। इंडिया की टीम की स्थिति शुरुआत में काफी ही ज्यादा नाजुक थी। भारतीय टीम का 15 रन के अंदर ही 5 विकेट गिर गया। इसके बाद फिर मैदान पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या आते हैं और वो पारी को थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन ये दोनों भी 50-60 रन मार कर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव को जो आउट था उस पर काफी ज्यादा बहस छिड़ चुका है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव जिस गेंद पर आउट हुए वो नो गेंद था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंपायर्स ने जो फैसला ले लिया वही सर्वमान्य है।